युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय शर्मा ने किसानों के हित में कांग्रेस सरकार को गन्ना मूल राशि और चना क्षति मुआवजा को लेकर घेरते हुए जमकर आंदोलन किया और सरकार को लबरा तथा किसानों के हित को न सोचने वाली सरकार बताया। जिला कबीरधाम में युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय शर्मा ने कुछ दिन पहले सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सरकार किसानों को उनकी फसल की राशि तत्काल उनके खातों में नहीं भेजती तो हर गांव से लोग आंदोलन करेंगे। इसी कड़ी में आज विजय शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र क्रमांक 9 से 21 गांव में एक साथ सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया गया और तहसीलदार को किसानों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजीव गांधी भवन बनाने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन किसानों की मेहनत से कमाई करके फसल बेचा है उसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास पैसे नहीं। 21 गांव में आज धरना हवे और मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी और कृषि मंत्री जी और सारा मंत्री जी ध्यान रखे भैया हो, सबसे हाथ जोड़ के किसान को निवेदन है, किसान के चना के मुआवजा के पैसा आ जाए, गन्ना के किसानन बर उनकर मूल भुगतान के राशि आ जाए और नहीं आ है तो जिला के हर गांव में हर प्रभावित किसान अपन आवाज बुलंद कर ही अपन मांग ल रखी और नहीं हो ही तो मुख्यमंत्री जिला प्रखर विरोध के सामना करेल पड़ जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज और हाँ यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।